हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद। तो रिसेंटली Realme के जितने भी स्मार्टफोन आए हैं Realme 9 Pro सीरीज में, Realme 9 Pro Plus एंड Realme 9 Pro दोनों हमने टेस्ट करे हैं और दोनों सही में काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी इनका अगला स्मार्टफोन आने जा रहा है Realme 9 5G। ये शायद चौथा स्मार्टफोन होने वाला है इस सीरीज का। मुझे कुछ याद नहीं। और अभी आपको एक फन फैक्ट बता दूं कि ये भी इकलौता स्मार्टफोन नहीं होगा, ये भी एक सीरीज होने वाली है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यहाँ पे आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, एक Realme 9 5G होगा और एक Realme 9 गेमिंग एडिशन भी होने वाला है इसमें। और दोनों ही फोन अपने आप में कुछ ऐसा स्पेशल लेके आएंगे जो बजट रेंज में अभी तक नहीं हुआ है। मतलब ये कह सकता हूँ कि Realme के द्वारा एक ट्रेडमार्क सेट किया जाएगा बजट रेंज में। और मेक श्योर कर लो कि Realme के 14-15 हज़ार या फिर उससे जितनी भी ऊपर की प्राइस रेंज में फोन आएंगे ना, सारे फोन के साथ आपको आगे 5G जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पहले ही आपके लिए एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ कि ये जो फोन है इनमें से एक फोन ऐसा होगा जो बजट में 144 Hz की हायर रिफ्रेश रेट को लेके आएगा। ये अब तक 20,000 या 15,000 की प्राइस रेंज में नहीं हुआ है। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको Realme 9 5G के साथ देखने को मिलेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसके बिल्ड एंड लुक की बात करते हैं। तो अभी ट्विटर पे एकदम फैला हुआ है कि आपको ये वाले लुक देखने को मिलेंगे। इसके 3 कलर वेरिएंट्स में आने वाला है, पॉलीकार्बोनेट बैक होने वाली है और इसी के साथ ट्रिपल रियर कैमरा है। ये कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जो चाइना में Q3S गया था ना उसी का थोड़ा सा ऐसा रिब्रांडिंग वर्जन लग रहा है। रिब्रांडिंग अंदर से नहीं है लेकिन बाहर से ऑब्वियसली है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ Realme 9 5G का डिजाइन होगा जो मुझे लगता है कि काफी डिसेंट है। साइड माउंटेड इसमें फिंगरप्रिंट होने वाला है और वही साइड में टॉप लेफ्ट में आपको पंच होल इसमें देखने को मिलेगा। और स्पेशल चीज ये है कि ये फोन अपने साथ 3.5mm जैक और डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट को लेके आएगा। मतलब दो दो 5G सिम के साथ आप अपना एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। और ये चीज जो है वो बजट में मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस एड ऑन करती है। और अब बात कर लेता हूं आपसे डिस्प्ले डिपार्टमेंट की। तो यहां पे आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ये एक फुल HD प्लस पैनल होने वाला है लेकिन IPS LCD है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और ये 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करेगी। IPS है इसलिए 144 हर्ट्ज है, वरना ऐसे नॉर्मल होती तो 25-26 हज़ार रुपए की प्राइस में आपको मिलती। यहां पे 405 PPI डेंसिटी होने वाली है और 600 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा टेक्निकल टर्म समझ नहीं आ रहे हैं तो ये समझ लो कि IPS LCD ही एक छोटा सा डिसएडवांटेज है जो आपको इस प्राइस में सुपर एमोलेड मिल जाती है, लेकिन इतने सारे जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो आपको कभी ये कॉम्बिनेशन में नहीं मिलते हैं। और ये एक अडेप्टिव हायर रिफ्रेश रेट होने वाली है, 30 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज के बीच में वरी करेगी। तो ये अपने आप में काफी कमाल की चीज है यार। और ये गेमिंग में बहुत कमाल का एड ऑन करने वाली है। और ये अडेप्टिव हायर रिफ्रेश रेट वाला ना काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बैटरी को कंज्यूम होने से बचाता है। और वहीं अगला जो पॉइंट है वो है प्रोसेसर इसकी ताकत। तो यहां पे Realme इसको टीज कर रहा है द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है, एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से या फिर उससे भी फास्ट। तो यहां पे हवालों से खबर आ रही है कि दो फोन होने वाले हैं। एक फोन आपको MediaTek Dimensity 810 पे देखने को मिलेगा, जो मैं गलत नहीं हूं तो 8S 5G के साथ आपको देखने को मिला है ऑलरेडी। और दूसरा जो होगा उसमें आपको Snapdragon 778G देखने को मिलेगा जिसका गेमिंग एडिशन होने वाला है। बेसिकली दोनों ही प्रोसेसर जो है वो 6nm की फेब्रिकेशन प्रोसेस पे आते हैं, दोनों में ही 5G सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और दोनों ही अपने आप में काफी कमाल के प्रोसेसर हैं और Realme आपको इनको बजट में प्रोवाइड करा के ना एकदम कमाल इतिहास रच देगा भाई। और उसके साथ एक और कमाल की चीज जो दिख रही है ना वो है Realme UI 3.0 Android 12। ये जो नॉर्मल फोन है Realme 9 Pro जो आपको डिस्काउंट के बाद 15,999 में मिलता है, ये फोन भी Android 12 के साथ आता है। और वो दोनों फोन भी Android 12 के साथ आएंगे और इसके साथ आपको LPDDR4X और UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज होगे। आपको कमाल की चीज बता दूं, हो सकता है कि मेरे पास ये फोन्स आ जाएं तो डेफिनेटली मेरे मतलब आए चाहे ना आए आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने को मिल जाएगा, वो भी एकदम ऑनेस्टी के साथ। तो डेफिनेटली आप इनके लिए वेट कर सकते हो और हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो भाई। और इसी के साथ आपको इन फोन्स में वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाएगी अप टू 5GB तक की।
अब ट्रेंड चल रहा है तो भाई हर फोन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो अब जितना भी स्टोरेज खरीदोगे उसमें अप टू 5GB वर्चुअल रैम एड ऑन कर सकते हो, लेकिन ये उतनी फास्ट नहीं होती है जितनी हमारी फिजिकल रैम होती है। और उसके बाद चलते हैं हम अपने कैमरा डिपार्टमेंट पे, और ऐसा देख के लगता है कि कैमरा को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया है भाई गेमिंग के चक्कर में। अब इस प्राइस बजट में डेफिनेटली एक चीज तो नजरअंदाज करनी ही थी, या तो गेमिंग या फिर डिस्प्ले या फिर कैमरा। तो यहाँ पे कैमरा मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में दिख रहा है, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है, लेकिन कहने को ट्रिपल है, एक ही कैमरा आपके काम आएगा और वो है 48 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होगा, और दोनों ही कैमरा से फ्रंट एंड बैक से आप 1080p 30fps मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे जा सकते हो। तो ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं लिमिट कर दिए, और प्रोसेसर भी इतना ही सपोर्ट करता है तो कंपनी इसमें क्या कर सकती है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ मुझे लगता है कि गेमिंग में फोकस किया जा रहा है ना, तो इसमें कनेक्टिविटी आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी। वाईफाई 6 होगा, ब्लूटूथ 5.2 होने वाला है, इसी के साथ आपको 3.5mm का जैक भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। और फोन जो होंगे वो 5000mAh की बैटरी को सपोर्ट करेंगे, और जो आपको Realme 9 Pro के साथ देखने को मिला है वही देखने को मिलेगा 30W का। ये है 33W का, लेकिन फोन सपोर्ट करेगा 30W को। और इसी के साथ 10th of March को आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि मेरी अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी आपके लिए उसी वक्त आ जाए। बाकी जो प्राइस होगी वो ये देख लो कि Realme 9i और Realme 9 Pro, ये दोनों फोन जो है ना इनके बीच में कहीं स्टैंड करने वाली है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये अगेन एक बहुत ही कमाल की चॉइस होंगे, बाकी आने पे देख लेंगे कितने कमाल के होने वाले हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब, और पक्का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूं, तब के लिए।